खुश हो गई है जिस इंसान को आप घर पे रखना क्या देखना ही नहीं चाहते, धनक उन्हीं की सेवा की जा रही है, तो क्या कहना चाहिए इस पर? अब जो नहीं होना चाहिए वो तो हो गया है, भरत ने मारी है, तो अब वो है ना कि धनक से वैसे भी मेरी पटती नहीं है, तो उसमें भी कीड़े हैं कि जो माई बोलती है वो उसको करना नहीं है, जो उसको करना है वो वही उसको करना है। तो हाँ, अब उसको लगता है, धनक को लगता है कि माई बहुत गलत है, तो क्योंकि उस वो जो उसने जो अपनी आँखों से देखा है उस पर भरोसा करती है, उसने देखा है भरत को बच्चों को पढ़ाते हुए, उनको अच्छी शिक्षा देते हुए, तो जो मैंने बोला उसको बहुत कमीना इंसान है, वो तो धनक का विश्वास नहीं क्योंकि उसने मुझे भी देखा है, तो माई पर कैसे भरोसा करेगी, इसलिए वो जो नया बंदा उसकी ज़िंदगी में आया है भरत, उस पर ज़्यादा भरोसा है, इसलिए उसको लग रहा है कि माई गलत है। अच्छा, रघु भी इसी उसमें है कि वो बाप का साया उसकी ज़िंदगी में आए जिससे वो वंचित था, वो उदास बैठा हुआ, वो आपको भी थोड़ा मनाने की कोशिश करता है कि मतलब रहने दो, जब तक ठीक हो जाता है तब तक रख लेते हैं हम, तो क्या कहना चाहेंगे इसमें? मतलब ये तो और मिर्ची छिड़कने वाली बात हो गई। ये मुझे इंसानियत के नाते तो उतना तो करना चाहिए, दुश्मन के साथ भी हम सोचते हैं कि यार दुश्मन के साथ भी कभी ऐसा ना हो, बंदे को कुछ कुछ उनको चेस्ट पहनता है और उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो ऐसे वक्त अगर उनकी तरह उनको देखने के लिए अगर कोई है नहीं, तो इंसानियत के नाते उनको घर में रखना पड़ेगा, तो जो कि मैं मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है, मगर मेरे बेटे के प्यार के खातिर मैं वो एक्सेप्ट करती हूँ। माई जो है वो बहुत ही शातिर है, कहीं ऐसा तो नहीं है भरत जी पहले से ही मिले हुए कुछ और माई के साथ कुछ और ही षड्यंत्र चल रहे हैं जो रघु और धनक के खिलाफ? और दूर की सोचते हैं ऐसा कुछ है? यहाँ रघु और धनक तो अपना डिसीजन सुना सकते हैं, माई क्या करने वाली है? माई भी शांत नहीं बैठी मेरे पे, हाँ बट मेरे बेटे के खिलाफ तो फिलहाल तो मैं नहीं जा पाऊँगी, उसको उसकी इच्छा है कि इंसानियत के नाते भरत को घर में रखना चाहिए, तो अभी उसकी इच्छा को मान लेते हुए मैंने बोला है कि चलो ठीक है भरत को घर में रखते हैं, अभी आके देखते हैं क्या है। तेल छिड़कने वाली क्या हो गया? मतलब हमेशा रोमांस के बीच में माई आ ही जाती है, लेकिन इस बार धनक कहीं निकल पड़ी है घर से। धनक को मैंने इतना रिक्वेस्ट किया था कि अभी तुम्हारा पैर टूटा हुआ है, तुम्हें चोट लगी है पैर पे, पर फिर भी मेरा बिना सुने वो निकल गई अपना फर्ज निभाने, पर ठीक है अपना फर्ज निभाने गई है, पुलिस से काम करने गई, कुछ अच्छा करने गई है, तो इट्स ओके कि अपना जॉब कर रही है, शी इज डूइंग गुड थिंग। ओके, लेकिन धनक हर बार कोशिश करती है कि आपकी ही भलाई करे हर वे से, चाहे वो अपने प्रोफेशनल वे से हो या पर्सनल वे से, इस बार भी वो मदद करें आपकी ही जा रही है, आपके पापा का पता लगाने के लिए निकली है वो घर से, तो धनक क्या कहना? अच्छा हाँ ऑब्वियसली रघु से जुड़ी हुई हर बात धनक के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और जब उसे माई बताती है कि इनके पिताजी जिंदा है तो वो इसी कोशिश में है कि जल्द से जल्द पता किया जा सके कि ये जो खबर है वो सच है या झूठ, क्योंकि अगर ये सच है तो रघु को पूरा हक है अपने पिता का प्यार मिलेगा। ठीक है, चलिए ये सब तो हो गया, बट एक और मुसीबत घर पे आप दोनों का इंतजार करें, आई थिंक सो इनको अभी तक पता नहीं है कि क्या होने वाला है, रिएक्शन देखना है, आप बता दीजिए कि क्या है, तो वो रिएक्शन शायद अच्छा देंगे। माई ने बेडरूम और हॉल के बीच की दीवार गिरा दी ताकि हम रोमांस ना कर पाएं। माई हर माई माई तो पूरी हदें पार कर रही है, मैं तो ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी रोमांस यार कैसे होगा, मतलब आपके रोमांस से उनको इतना ज्यादा मतलब क्या कह सकते हैं दर्द होता है शायद, क्योंकि वो एक बार बिस्तर जलाती हैं, कभी छत टपकवाती हैं, इस बार तो उसने हदें पार की दीवार गिरा दी। हदें पार भी यार क्या करें, अभी पर्दे ऑर्डर करें। मेरे हिसाब से कल छतरी के नीचे रोमांस देखकर काफी इंस्पायर हो गई है, उन्हें ये पता चले कि हम दीवार तोड़ दें कुछ भी करते हैं कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल ही जाएगा। हम लोग छत पे फिर से टेंट बनाएंगे। कोई बात नहीं, रघु रघु को क्या है, वो कहीं भी चौल में किसी के साथ रोमांस कर सकता है, कहीं पर भी कहीं भी चालू हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट हाँ, अभी माइक के अगर
पति आ रहे हैं, हमारे पापा आ रहे हैं। अरे माई को सोचना चाहिए था कि यार हमें यहाँ ससुर जी को ला रही है, तुमने दीवारें गिरा दी। सब कुछ खुल्लम खुल्ला मतलब आसपास बैठ के देखेंगे मतलब यहाँ पर फिर डबल कपल रोमांस होगा चाहे इधर सोफे में माई और ससुर जी बैठे, इधर मैं फिर माई डिस्टर्ब भी नहीं करेगी इसीलिए मैं ला रही हूँ ससुर जी को। ओह ये प्लानिंग ओके थैंक यू सो मच। ओह गॉड मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किला फतेह कर लिया जाओ आपने। रघु हमेशा धनक का था और धनक का ही रहेगा। किसी भी रिश्ते में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और हमारे भी आए थे, पर धनक का विश्वास जीत गया। ये कहीं ना कहीं आज दोनों में कुछ बातचीत हो रही है भागते वक्त, क्या कुछ बताएंगे आप हमें? मतलब मैं उनको यही कह रही थी कि हमारा जो मैच है ना वो एकदम परफेक्ट वाला गठबंधन है हमारा, क्योंकि उन्होंने भी गन पॉइंट पे शादी की, मैंने भी उठा लेके भाग ली कि चलो भागो गन पॉइंट पे, तो हाँ एक दूसरे को टक्कर देते हैं हम, तो परफेक्ट कपल टाइप के हैं। अच्छा दो दिल जुड़े हैं लेकिन दो दिल टूटे भी हैं, एक आई का और एक माया का। जैसी करनी वैसी भरनी। लेकिन माई को आपने बड़ा सब अच्छा सबक सिखा, मैं घर के अंदर एंट्री नहीं दी भैया, पता आपके साथ क्या मतलब ब्लैकमेल करी थी ना। अब वो मैंने क्या किया है, क्यों किया है, भगवान का नाम लेके किया, आप देखेंगे ना तब आपको पता चलेगा। और फाइनली कॉस्ट्यूम बड़ा ही अच्छा लग रहा है आपका, क्या कहते हैं जी? क्योंकि मैं दुल्हन हूँ, भले ही बदली हुई दुल्हन हूँ बट हाँ दुल्हन हूँ, तो मैंने प्रॉपर नवारी साड़ी पहनी है, नथ पहनी है और प्रॉपर ज्वेलरी जो बहुत हैवी है वो सब अच्छे से सज संवर के तैयार हुई हूँ मैं। और देखो इतना सजी थी, रघु को वापस ले आई। जिस टाइम पे कहते ना कि धनक आपकी बहू मिली बनी जैसी सास वैसे वो वापस से लेके चली गई पति को, वो मतलब मेरी ज़िंदगी में तो सबसे बड़ा मनहूस दिन था जिस दिन एक तो मेरे नालायक बेटे ने उसके साथ शादी की गन पॉइंट पे रख के, फिर अब मैं माया के साथ शादी करा रही हूँ तो मुझे उल्लू बना के सबने मतलब घर का बेदी हो, तो बड़े बड़े राजा महाराजा भी हार चुके हैं, तो सावित्री भी क्या कौन है फिर सावित्री, तो घर के बेदी लोग जो हैं सब उसको सपोर्ट कर रहे हैं और रघु और धनक की फिर से शादी करा रहे हैं। बट हाँ अब कभी कभी उसका पलड़ा भारी हो जाता है धनक का, कभी कभी मेरा, अब तक मेरा भारी था, आज धनक का पलड़ा भारी है और इसलिए मेरी नज़रों के सामने मेरे बेटे को वो बाइक पे बिठा के हथकड़ी लगा के भगा के लेके गई है। लेकिन कहते ना कि एक धनक आपका सीन होने वाला जहाँ पे पूरा कंफ्यूजन हो जाएगा कि भैया क्या क्या है क्या नहीं। हाँ वो मुझे वो वापस आएगी रघु को लेके, क्योंकि वो तो अच्छाई की मूर्त है ना धनक, तो वापस आएगी कि माई को मना लेंगे, माई को मना लेंगे, और मैं मान नहीं रही हूँ इसलिए वो मुझे मना रही है, और वो कैसे मना रही है, ब्लैकमेल करके। ज़िंदगी में यही सिखाते सीख मिलती है ना कि कभी कभी उंगली टेढ़ी भी करनी पड़ती है, तो ऐसी मतलब क्या ब्लैकमेल करने वाली है धनक? ऑब्वियसली जो इतने जो ड्रग कांड हुआ था उसको लेके, लक्ष्मी की जो हत्या हो गई उसके हाथों उसको लेके, तो मुझे ब्लैकमेल करती है और घर में आ जाती है, मुझसे आशीर्वाद लेती है जुग जुग जियो, वापस नाक कट गई। मतलब क्या हो क्या रहा माई की लाइफ में ये सब? अब क्या वो मैं बोलती हूँ ना, वो मेरी साढ़े साती भगवान ने साढ़े साती मेरे पीछे छोड़ दी है धनक के रूप में, तो वो वापस जाके कितना भी मैं कोशिश करूँ उससे दूर भागूँ उसको दूर भगाऊँ, वो वापस आ ही जाती है मेरे घर में, मेरे इधर बैठ सर पे बैठने, तो क्या करूँ अब मैं। थैंक यू। ओके श्रुति का मतलब धनक का एक अलग ही अवतार देखने मिला, लेकिन इतने सारे सरप्राइज, लाइक वो हल्दी भी खुद ही लगा लेती है, शादी के मंडप पे भी खुद ही आके बैठ जाती है, कितना अच्छा लग रहा है ये सरप्राइज जो धनक से आपको मिला। बहुत अच्छा लगा मुझे ये सरप्राइज, क्योंकि रघु धनक से बहुत प्यार करता है और अगर धनक कुछ आउट ऑफ द वे जाके रघु के लिए कुछ करे तो उससे बड़ी बात रघु के लिए कोई हो नहीं सकती, क्योंकि एक्सपेक्टेशन कभी नहीं था कि धनक ऐसा करेगी। प्यार करती है ऑफकोर्स, बट इतना हद तक प्यार करती है कि ये सब कर देगी, इतना प्लानिंग कर देगी और खुद आके दुल्हन बन के बैठ जाएगी, वो सब नहीं रघु ने एक्सपेक्ट किया था, बट बहुत अच्छा लगा ये जान के। धनक का एक अलग ही अवतार था जो रघु के सामने आया।
हाँ एक बहुत ही मिसचीवियस किस्म का अवतार निकल गया है. उसने जो प्लानिंग की है वो शायद उसने वो कहावत को सीरियसली मान लिया कि लोहा लोहे को काटता है. तो वो हमारी फैमिली में रह के उसने कुछ पैतरे सीखे हैं. अब वो वही हमको मतलब अप्लाई कर रही है हम लोग पे, हम मुझ पे नहीं बट मेरी फैमिली पे, जिससे वो ये सब गेम कर रही है और इतना सारा उसने प्लानिंग किया है. और हमारी फैमिली के कुछ मेम्बर्स भी उसमें शामिल हैं जो धनक का सपोर्ट कर रहे हैं. तो ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है. ये भी एक बहुत ज़्यादा क्रेजी सिनारियो था कि कैसे धनक के पापा जो इतने शरीफ से हैं और उसकी जो बहनें हैं उन लोग ने भी गन उठा के सबके माथे पे तान दिया कि नहीं इस बार तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे. अब मुझे समझ आ रहा है कि इतने कंफर्टेबल क्यों थे बहुत पहले से शादी को लेके, कि रघु बहुत कंफ्यूज था कि यार कोई कुछ कह ही नहीं रहा है. पापा जिनकी खुद की बेटी की के जो उसका दामाद है वो दूसरी शादी कर रहा है, अभी तक पहली शादी टूटी नहीं, वो भी कंफर्टेबल है. तो ये सारा गेम प्लान था. अब समझ आ रहा है रघु को. रिक्वेस्ट ये तो नहीं थी बट दिल से ऑब्वियसली ये रिक्वेस्ट थी कि किसी तरह से कुछ ऊपर वाला सुन ले और माया की जगह धनक आ जाए. बट मुँह से तो बोला नहीं था ऐसा, बट रघु की ऊपर वाले ने सुन ली और सच्चा प्यार है तो क्यों नहीं. हाँ जी क्यों, मॉडर्न ज़माना कुछ भी हो सकता है. हाँ एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ था जो हुआ कि इतनी प्लानिंग करके रखी थी धनक ने कि अगर सब कुछ फेल हो जाएगा तो रघु को ही भगा के लेके जाऊँगी और वो भी हथकड़ी पहना के भगा के लेके जाऊँगी. तो काफ़ी धनक का जो अपना सिग्नेचर स्टाइल है, हर बार हर शादी में हथकड़ी निकल के आती है. इस बार भी आई बट एक अच्छे कॉज के लिए, अच्छे मूव के लिए आई. तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे. फुल महाराष्ट्र लुक यस, वाइट शेरवानी विद वाइट धोती विद दिस रेड स्ट्रोल और ये सहरा और ऑफ कोर्स ये ट्रेडिशनल मराठी एक्सेसरी जो शादी में पहनते लोग और ये मोती वाला हार काफ़ी जच रहा है मेरे ख्याल में. मास्टर प्लान बनाया हुआ है आपने, माया को आप सजाने के बहाने किडनैप कर रही हैं. बहुत हो गया सीधापन, अब टेढ़ा होना ही पड़ेगा. तो बस मैं सजा रही हूँ, ये मेरा तरीका है, थोड़ा इनोवेटिव तरीका है माया को दुल्हन बनाने का. भाई ऐसी पार्लर वाली तो किसी दुल्हन को, मेरे दुश्मन को भी ऐसी पार्लर वाली गलती से भी ना मिले. दुश्मन तो मैं ही हूँ. तो मतलब कह सकते हैं कि इन्होंने जितना भी सारा मास्टर प्लान आप पे निकाला था एक ही दिन में सारी कसर धनक ने निकाल ली. इसको पता है ना मेरी वीकनेस क्या है रघु, तो उससे कनेक्टेड इसको कोई ना कोई चीज़ करनी थी रिवेंज लेने के लिए. बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि एक बार ही ऐसा करो जो सब पे भारी हो जाए. तो बस वही कह मैं, एक बार आप यहाँ पे एक बार करिए बट माई एक और बार आप पे तान के आई थिंक सो खड़े रहने वाली हैं. वो पता चलेगा जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा किसने बंदूक तानी, किसने वार किया, कौन जीता और कौन रघु को लेके फरार हुआ, सब आपको पता चलेगा. ओके, सो आपके लुक के बारे में जानना चाहेंगे. दोनों काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं, सो लुक के बारे में थोड़ा बता दीजिए आप. हम दोनों ने प्रॉपर नवारी साड़ी पहनी है. मैंने काफ़ी टाइम बाद नवारी साड़ी पहनी है, जो मेरी पहली शादी हुई थी जो भी इसकी वजह से टूटी थी वो रघु ने तोड़ी थी यार. तो मैं उसमें बिल्कुल निर्दोष थी. उसमें भी मैंने नवारी पहनी थी. आई लव द कलर, इट्स अ टू शेडेड साड़ी, इट्स रॉयल पिंक एंड रेड, जो दोनों मेरे बहुत फेवरेट हैं, स्पेशली रेड कलर. सो आई लव्ड माय साड़ी एंड मेहंदी. यस, मुझे मेहंदी के बास बिल्कुल पसंद नहीं है बट मुझे ये जो कलर आता है फ्रेग्रेंस, स्मेल इज ऑल्सो बास. सो जो फ्रेग्रेंस होती है वो मुझे नहीं पसंद जैसे दूसरों को पसंद होती है, बट मुझे ये जो कलर आता है वो बड़ा सुंदर लगता है. तो मैंने खास रघु के लिए ये मेहंदी लगाई थी बट उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ अभी, थैंक्स टू हर. सो बिकॉज मेरे पति की शादी है तो मैं बहुत अच्छे से सजी हुई हूँ और आई थिंक अगर मेरी शादी होती तो मैंने नथ भी पहन ली होती, बट बस एक वही कमी है. बाकी मैंने रानी शेड की नवारी पहनी है और जूलरी चूड़ा, आज मैंने पहली बार चांद बिंदी भी लगाई है जो धनक ने अभी तक किसी भी लुक में नहीं लगाई थी.
एंड बहुत अच्छे से सजी हूँ, पति को जला भी रही हूँ और भगा भी ले जाऊँगी। सजने संवरने की बात हो रही है तो आप रघु को भी सजा रही है, उन्हें भी आप शौक पे शौक दे रही है, इतनी स्वीट बन गई है धना। जो ये लोग चाहते थे मैं वही कर रही हूँ यार, बस थोड़ा अलग तरीके से कर रही हूँ। बरकर तो वही रही हूँ ना, तुम्हें लोग चाहते थे यार, बस तब भी प्रॉब्लम मैं करो तो प्रॉब्लम ना करो तो तुम कुछ मत करो, तुम कुछ मत करो। थैंक यू, थैंक यू। मतलब अभी गिरने वाला हुआ, इसके पहले डिवोर्स वाला हुआ, फिर ये अभी गिरने वाला हुआ, इसके बाद आप खीर खिलाओगे सबको, लास्ट वन है जहाँ पर सब रेडी। तो ये क्या चल रहा है, मतलब रघु ने डिवोर्स मांगा था तो धनक अग्री कर गई है, ऐसा क्या हो गया और क्या प्लानिंग चल रही है एक्चुअली दिमाग में पूछा जाए तो? सो प्लानिंग जो चल रही है अगर मैं बता दूंगी तो मज़ा नहीं आएगा, आप एक एक स्टेप वाइज देखते जाइए। और एक्चुअली हाँ, रघु मांग रहे थे डिवोर्स, माया भी कह रही थी जा तलाक दो छोड़ो, धनक ने सबकी बात मानी, धनक तलाक भी दे रही है और अब माया और रघु की शादी भी करवा रही है। कैसे करवाएगी, कब तक करवाएगी और करवाएगी या नहीं करवाएगी, ये आप जब देखेंगे तभी मैं सही। ओके, शादी की रस्में शुरू हो गई आज, मेहंदी की रस्म है जहाँ एक बहुत बड़ा उनका धमाका हुआ, धनक ही गिर गई लेकिन उस जगह भी संभालने के लिए रघु ही आ गए हैं। तो वहाँ पे चूहा जो हर वक्त रघु को डराता है उसने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया और मुझे पहली बार मैं डर जाती हूँ चूहे से और मैं गिरती हूँ तो रघु मुझे संभाल लेते हैं और एक प्यारा सा मोमेंट होता है, जहाँ प्यार होता है वहाँ दो दिल खिंच के आ ही जाते हैं। लेकिन मतलब अपने ही पति के मेहंदी में सबको मीठा खिलाना, ऐसा कोई शगुन तो नहीं? ज्यादा मीठा कभी कभी ना पेट खराब कर देता है। और वो मीठे में कुछ है? अब ये मुझे क्या पता यार, मैं तो बस खिला रही हूँ, बाकी देखोगे तब पता चलेगा ना। ओके, लास्टली एक मोमेंट आने वाला है आप दोनों के बीच में, मतलब अपने पति को किसी और के लिए तैयार करना, उसमें भी मतलब दोनों के बीच में कुछ प्यार नजर आ रहा है, क्या होने वाला है? प्यार तो है ही, आई थिंक धनक और रघु के बीच में बेहद प्यार है, दोनों बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से, सिचुएशन ऐसी है जिसकी वजह से दोनों जता नहीं पा रहे और आई थिंक भगवान से कहते हैं ना, रघु और धनक को बार बार मौके मिल रहे हैं कि हाँ जता लो प्यार, तो ये भी एक मोमेंट उसी में जहाँ रघु थोड़े रेस्टलेस हो रहे हैं कि क्यों कर रही हो ऐसा, नहीं करो, बट धनक इस लाइक यही तो चाहिए था, इंजॉय करो। तो इतना कॉन्फिडेंस किस चीज़ का है धनक, क्योंकि मतलब उनको यकीन है कि रघु उनके पास ही वापस आने वाला है? यार मेरा, मैं अपने पति को नहीं जानती हूँ, मैं सब कुछ मेरे हाथ में, अभी अब देखो क्या करती हूँ मैं। बहुत मजा आएगा, प्लीज देखिए कसर धनक का षड्यंत्र।